चार मीनार के 444 यानी 444 ईयर्स मुकम्मल हो गए। इस बिल्डिंग का जो खासियत है, हैदराबाद सिटी का फर्स्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ये इस हिसाब की एक ऐसी पहली इमारत है जो ऊपर से लेकर नीचे तक फाउंडेशन तक पूरा गच्ची की है। अब आपको खाली मीनार के नीचे दिखेगा कि यहाँ पे गनेट है। इसने हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट 444 ईयर्स का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अनुराधा रेड्डी, इंटेक को कन्वीनर तेलंगाना और कन्वीनर इंटेक हैदराबाद। आज खुशी की बात है कि हम लोग इसने हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट 444 ईयर्स का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बावजूद हम लोग इसको कितना भी करें, इसको कितना सफरिंग दिए हैं, अभी भी हमारे साथ चार मीनार है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इतना शानदार। कितने लोग आए हैं, कितने लोग इसमें एंजॉयमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ख़ास इसके लिए एक एग्जीबिशन भी लगाए हम लोग इंटेक और डेक्कन आर्काइव की तरफ से। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए ये बिल्डिंग अभी भी है। इस बिल्डिंग का जो खासियत है, हैदराबाद सिटी का फर्स्ट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह और उनके पेशवा मीर मोमिन साहब दोनों भी हमारे लिए ये ऐसा बेहतरीन बिल्डिंग बना के दिए हैं हमको। इसके बाद हैदराबाद में अलग अलग भी दारुल शफा और बादशाह याशूर खाना और ऐसी बिल्डिंगें भी अभी है मौजूद। ये हमारा, मैं इसको क्या बोलूँ, खजाना हैदराबाद के, तेलंगाना का, ये पूरे हमारे बिल्डिंग्स खजाना है हमारे। तो इसको हिफाजत से रखना है, इसको सही मेंटेनेंस करना है। ऐसी बिल्डिंग्स और भी है, गोलकुंडा भी है, तो इनको केयरफुली रखना चाहिए और बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सही तरीके की फंडिंग भी मिलना चाहिए। इसके पहले जो चार मीनार इस जगह पे पहले जो बना गोलकुंडा एरिया में और अलग अलग एरिया कुतुबशाही दौर में, बिल्डिंग ज़्यादा ग्रेनाइट और कम गच्ची से बनते थे। उन टाइम में इनका एक्सपर्टीज़ गच्ची में, ये जो स्टको वर्क बोलते हैं, उनका कम एक्सपीरियंस था। तो हलू हलू हम लोग अगर टूर्स में जाते हैं या अलग अलग जगह कुतुबशाही स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसमें ज़्यादा मालूम होता है कि ग्रेनाइट दिखता है। और जैसा ऐसा उनका तजुर्बा बढ़ते गया, वो ये स्टको वर्क और ये गच्ची जो है वो कम्प्लीटली कवर हो गया। चार मीनार इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि किधर भी अपने को पत्थर नहीं दिखता, ग्रेनाइट नहीं दिखता, खाली गच्ची। और ब्यूटीफुल, कितना ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस है, कितना एक्सपर्टीज़ है, कितना अच्छा बनाए हैं ये बिल्डिंग में है। आज पहली मुहर्रम 1444 हिजरी है, जो कि आज चार मीनार के 444 यानी 444 ईयर्स मुकम्मल हो गए। चार मीनार का जो तारीख है बनने की, वो एक गुलदार आसफिया में ऐसा जिक्र है कि उसका तारीख का क्रोनोग्राम जो है वो या हाफिज़ है, जो अबजद के हिसाब से 1000 हिजरी होता है। तो आज 444 साल पूरे हो गए, इसलिए हम एक फ़ोटो एग्जीबिशन रखे चार मीनार की। तो पुरानी तस्वीरों में और नक्शों में चार मीनार कैसा बदला बोल गए, तो अब सबसे पुराने तस्वीरों से लेके अब तक हम देख सकते हैं एग्जीबिशन में कि कैसा कैसा तब्दीली आई चार मीनार के अतराफ। और ये एक हफ्ते तक खुली है चार मीनार के हाउस के अतराफ ये एग्जीबिशन। तो ये इस हिसाब की एक ऐसी पहली इमारत है जो ऊपर से लेके नीचे तक फाउंडेशन तक पूरा गच्ची की है। अब आपको खाली मीनार के नीचे दिखेंगे कि यहाँ पर गनेट है, इसके ऊपर आपको कहीं भी गनेट नहीं मिलती। तो इसको कुतुबशाही दौर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ऐसा बनाए कि ऊपर से नीचे तक जहाँ भी है गच्ची है, वो गच्ची में अंडे के छिलके और चने की दाल, ये सब गुड़, ये सब चीज़ें मिला के वो बनाते थे। और ये ऐसा है गच्ची का हिस्सा कि जैसा वक्त होते जाता उस
सख्त होते रहती, तो जैसा पानी लगते रहता साला होते रहते, गच्ची और मजबूत होते रहती उल्टा, तो उसको अगर झाड़ा वाड़ा उन्हें नहीं दिए तो बहुत पत्थर कैसी सख्त हो जाती। तो ये इस हिसाब से बनाए थे, और इसके इसकी एक बनाने की वजह ये थी कि ये तो एक हज़रत इमाम हुसैन के ताज़िए के मॉडल के ऊपर है बोल के कई हिस्टोरियंस बोलते हैं, कई बोलते हैं कि शहर का जो नया शहर बन रहा था हैदराबाद, उसका मेन चौरस्ते के वास्ते जो कुछ एक इमारत बनाएंगे जो बनाएंगे चार मीनार बोल के उसका इरादा करके ये बनाए थे। तो अभी जो हज़रत मीर मोमिन अस्तराबादी जो है उन्होंने इसके पीछे शहर के जब अर्बन प्लानर बोल सकते हैं उनको, उन्होंने पेशवा थे मोहम्मद खुली कुतुब शाह के, तो उनके उसमें निगरानी में ये पूरा मुकम्मल हुआ चार मीनार हमारा।